जौनपुर पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने माना कि विभाग में ऐसे शिक्षक है जो अपनी जगहों पर 5,000 रुपये देकर दूसरे से पढ़ाने का काम करा रहे हैं और ये सब खेल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग में बड़े बदलाव किए जाएंगे और 3 साल से रुकी अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र प्रक्रिया को मई महीने से चालू किया जाएगा जिससे शिक्षा के स्तर में बदलाव आ सके। कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के भतीजे की शादी में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने डाक बंगले पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही विभाग में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार सपा सरकार कुछ न कुछ काम कर रही है, इसी के चलते 3 साल से रुके अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र प्रक्रिया को मई महीने से शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रयास ये भी रहेगा कि जो अधिकारी गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अधिकारियों की गड़बड़ी से ही अटेंडेंस नहीं लगती। बेसिक शिक्षा मंत्री ने माना है कि ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपनी जगहों पर कुछ पैसे देकर दूसरे से काम करा रहे हैं। अब मुझे ये नंबर नहीं, लेकिन ऐसे भी टीचर हैं कि जो 5,000 में दूसरा टीचर अपना रख देते हैं और हमारे यहाँ दफ्तर में पैसे देते हैं। आप देखेंगे, मैं यानी खंड शिक्षा अधिकारी 2 साल से ऊपर है, मैं सबको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम जानते हैं अधिकारियों के गड़बड़ से भी अटेंडेंस नहीं हो रही थी, तो मैंने अभी 16 तो मैंने BSA को ठिकाने लगा दिया है और आपने देखा है, और मैं सबको बदलूंगा जितने ऐसे हैं, और 99% कुछ भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जनता ने बड़े विश्वास बड़ी उम्मीदों से सरकार में भेजा है, तो इससे यह है कि हम लोगों पर जो विश्वास उन्होंने किया है उसको हर कीमत पर हर हालत में पूरा करेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है और मुख्यमंत्री का सपना है कि ऐसे स्कूलों का निर्माण कराया जाए जिससे लोग अंग्रेजी स्कूल को भूल जाए। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने के हाईकोर्ट के आदेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने हमेशा कोर्ट के आदेश का पालन किया है। फिलहाल स्कूल चलो अभियान चला रहा है और जुलाई में स्कूल चलो अभियान पूरा होगा, इसके बाद देखा जाएगा क्या समस्या आती है। अभी हाईकोर्ट का आदेश जो आया है, हमेशा हम लोग कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं और कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। कोई कठिनाई होगी तो कोर्ट को हम लोग पेश कर देंगे और मुझे उम्मीद है कि कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अभी तो सेशन शुरू हुआ है, फुल स्विंग जो है स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ है, तो अभी हम देखेंगे कि उसमें जो हाईकोर्ट का आदेश जो किया गया है उसमें पालन करने का कोशिश की जाएगी और कामयाबी तभी देखी जाएगी जब ये स्कूल चलो अभियान पूरे तौर से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो है अब लक्ष्य जो है, अब मुख्यमंत्री जी का हमसे ज़्यादा है कि ऐसा इन स्कूलों का बना देते बड़े से बड़ा अंग्रेजी स्कूल जो है बिल्कुल लोग भूल जाए। उसी तरफ हम लोग सारे जो है इतना टीचरों का जो कर रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेडीज़ को जो है फैसिलिटी दे रहे हैं, सारी बातें इसलिए कर रहे हैं। प्रदेश में 800 से ज़्यादा परिषदीय स्कूलों में बिजली और पंखा न होने के सवाल पर उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे अभिनव समाजवादी स्कूल के बारे में बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा है कि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे 5 लाख टीचर पढ़ा रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल है, करोड़ों बच्चे उसमें पढ़ते हैं। लेकिन ये भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि समाजवादी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में अब तक 2,41,000 टीचर भर्ती हम लोग कर चुके हैं और अभी हो रहे हैं, जैसे मौली मूर्ति भर्ती हो रहे हैं, संस्कृत टीचर भर्ती हो रहे हैं और भी सब हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ऐसी सरकार है जो 3 लाख टीचरों को ज़्यादा भर्ती करेगी, तो सर्व शिक्षा यानी मुफ्त शिक्षा और सबको शिक्षा, वो जो घोषणा पत्र में वादा किया था वो पूरा कर दिया गया। लेकिन गुणवत्ता परक शिक्षा यानी अच्छी शिक्षा
के लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी की जा रही हैं। 3 लाख तब 3 लाख के करीब पहुंच जाएंगे जो टीचर भर्ती होंगे, और देश के अंदर ये रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसीलिए आपको तारीफ करना चाहिए कि सारी चीज़ें जिस चीज़ को वो करते हैं तो विजन नहीं करते हैं, ऐलान नहीं करते हैं, अपने विजन और ज़मीन को जो चीज़ घोषणा पत्र में ज़मीन पर उतार दिया, सबका पालन कर दिया, सारे जो वादे किए गए थे पूरा कर दिया गया। क्योंकि 40 साल में दिल्ली में मेट्रो रेल बनी, 4 साल में उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल चलने लगेगी, अक्टूबर के पहले 55 लाख गरीबों के खाते में पेंशन पहुँच गई, लैपटॉप बढ़ चुका, और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा और फ्री जो है सब चीज़ें जो हैं आपने देखा होगा अस्पतालों में कर दी गई। जौनपुर से अमित गुप्ता की रिपोर्ट।